आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर पनीर पुलाव। अब मैंने कुकर में मिर्च, तेज पत्ता और जीरा डाल दिया है। इसके साथ ही हम डालेंगे प्याज। मंडे को छूटे ये पुलाव बहुत ही जल्दी बन जाता है तो, और प्याज लाल करने के बाद हम इसमें हम डालेंगे आलूओं को और बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए प्याज हमारा लाल हो रहा है, अब मैंने इसमें आलू डाल दिया है और खाने में भी झटपट बन जाता है 10-15 मिनट में। अब इसमें हम पनीर ऐड करेंगे। इसके बाद ही कुछ मसालों को भी डालेंगे हम। आधा छोटी चम्मच काले मिर्च, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और नमक। बस मैंने इतना ही मसालों को, और आधा चम्मच गरम मसाला भी डाल सकते हैं, और इन सबको डाल के एक बार हल्के हाथों से चला लेंगे। जो कुकर को ही अलट पलट के कर लेंगे। अब उसके बाद चावल और मटर को इसमें डाल देंगे और पानी लगा लेंगे। एक से दो सीटी के बाद बंद कर देंगे गैस को। और देखिए हमारा मटर पनीर पुलाव बनके रेडी हो गया है। तो बनाने में झटपट और खाने में मज़ेदार।